मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं, ये क्या होता है भला, ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं? तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना, अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने। हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है फिर, चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते। हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है, आपको पता है टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे, अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हमने पूरा मॉल छान मारा लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी आप तो एकदम अच्छी लग रही हो, आपको साड़ी के साथ साथ
अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी पापा गट्टू वो देखो मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग करी ली। पापा अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना। हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।